भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला राजकोट के मैदान में खेला जा रहा है। मुकाबले की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में आउट हुए। इसके बाद टीम के लिए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, ऋषभ पंत भी फेल हुए और टीम पिछड़ती हुई मुकाबले में नजर आई। लेकिन इसके बाद टीम के लिए फिनिशर का रोल निभाने वाले हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने शानदार साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 169 रन बनाए जो कि टीम के लिए एक फाइटिंग टोटल है। बहरहाल अगर बात करें टीम के लिए रनों की तो हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने शानदार पारियां खेलते हुए टीम को मजबूत साझेदारी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर बात करें दिनेश कार्तिक की तो उन्होंने 27 गेंदों में 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दिनेश कार्तिक का स्ट्राइक रेट 203 का रहा। दिनेश कार्तिक ने अपनी पारी के दौरान 2 छक्के और 9 चौके लगाए। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें तो 31 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने 46 रनों की पारी खेली और पारी में 3 चौके 3 छक्के लगाए। बात करें अगर दोनों के स्ट्राइक रेट की तो दोनों का स्ट्राइक रेट शानदार रहा और टीम के लिए दोनों ने अहम योगदान दिया। दिनेश कार्तिक ने 16 साल के करियर के बाद T20 में अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई। साल 2006 में उन्होंने भारत के लिए पहला मैच खेला था और इसके बाद उन्होंने अब T20 में पहली हाफ सेंचुरी लगाई। वहीं अगर पांड्या की बात करें तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और लगातार टीम के लिए पांड्या रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के लिए कप्तान ऋषभ पंत के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने 33 गेंदों में 65 रन जोड़े। भारत के लिए अंत के 5 ओवर में ताबड़तोड़ 50 रनों से भी ज़्यादा आए और भारत एक मजबूत स्थिति में नजर आया। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी क्या भारतीय टीम इतने रन बनाने के बाद भी जीतने में कामयाब होती है या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।